के बारे धीरे धीरे इनके जो है राज्य विस्तार कैसे किए हैं, साम्राज्य का विस्तार कैसे किए हैं, क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, वो सब हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जहांगीर के समय में कि जो आपके ये कौन खुसरो और खुर्रम, ठीक है, खुर्रम ही शाहजहां रहता है जब ये दक्षिण का अभियान करने जाता है, उसी समय जो आपके इनके पिता श्री जहांगीर हैं वो इनको शाहजहां की उपाधि देते हैं। होता क्या है कि नूरजहां का जो गुट बना रहता है, मैंने जो जिक्र किया था जहांगीर के समय में, उस गुट का एक हिस्सा ये भी रहते हैं। लेकिन जब देखते देखते रहती है कि नूरजहां कहीं ना कहीं शाहजहां का जो है एक तरह से बोला जाए ताकत बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि कई अभियान ये करता है जिसमें ये सफल होता है, तो सभी लोग इसे अगले राजा की तौर पर देखते रहते हैं कि अब इस सिंहासन पे, दिल्ली के सिंहासन पे शाहजहां ही बैठेगा। इसलिए कहीं ना कहीं नूरजहां के मन में ये आ जाता है कि जो मैं सोच के ये गुट बनाई थी कि मेरे जो है हाथ में सत्ता आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे शाहजहां से कटती फिरती है, और वो जो आपका शहरयार जो पुत्र था जहांगीर का, उससे अपने बेटी का जो है शादी कर देती है, जिसका नाम लाडली बेगम रहता है, उसका शादी किससे, शहरयार से हो जाता है। और ये जो लाडली बेगम होती है वो शेरे अफगान की लड़की रहती, पहले जो पति थे इनके उनसे ये लड़की रहती है, तो उनका शादी जो है शहरयार से कर देती है कि अब अगर शहरयार को राजा बनवा दें हम किसी तरह किसी कीमत पे, तो एक तरह से शहरयार तो बहुत कमजोर इंसान है, तो पूरा का पूरा सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं सत्ता को अपने ढंग से चला सकूंगी। ये नूरजहां की मानसिकता थी। और जैसे ये करती है तो कहीं ना कहीं शाहजहां को ये पता चल जाता है कि नूरजहां एक गेम और खेल रही है, जिसके कारण जब साउथ में रहता है शाहजहां तो विद्रोह कर देता है, और इसको विद्रोह को दबाने के लिए महावत खा जाता है और किसी तरह वो विद्रोह दबता है। लेकिन इसके पास भी ऐसा एक पासा होता है कि जिसे लास्ट चाल होती है, जिसे शाहजहां चलता है, जो इनके ससुर रहते हैं। ससुर कौन रहते हैं? नूरजहां का भाई रहता है आसफ खां, इन्हीं की बेटी से जो है ये शादी किया रहता है। ठीक, कौन, क्या नाम था उनका? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इन्हीं से शाहजहां की शादी हुई रहती है, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से आप लोग जानते जानते हो। तो ये कहीं ना कहीं इनके ससुर हुए शाहजहां के। तो पक्ष किसका सबसे ज्यादा लेंगे भाई? अपनी बिटिया के जो हैं उन्हीं के पति के साथ ही रहेंगे। तो एक जब जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ रहते हैं, शाहजहां के साथ रहते हैं। सब कुछ नूरजहां के जितने भी कदम होते हैं सब शाहजहां को बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा नूरजहां कर रही है। जैसे उनकी मृत्यु होती है तो शाहजहां बोलते हैं कि ऐसा करो इनसे, आसफ खां से, कि जितने भी शाही दरबार में राजगद्दी के लिए दावेदार लोग हों उन सबको मार डालो, आसफ खां से कहते हैं। और धीरे और नूरजहां भी इधर क्या करती है, सोचती है कि किसी तरह शहरयार को सुल्तान बनाकर जो सत्ता अपने हाथ में कर लिया जाए, लेकिन आसफ खां ऐसा होने नहीं देता है। वो क्या करता है, जैसे ही 27 में वो जहांगीर की मृत्यु होती है, दाबर खां, दाबर बख्श, ठीक है, आपका खुसरो का बेटा रहता है दाबर बख्श, उसको क्या करता है, गद्दी पर तुरंत बैठा देता है कि तुरंत के लिए आगे, क्योंकि अभी शाहजहां कहाँ रहता है, साउथ में रहता है, उसे आने में टाइम लगता। तो ये गद्दी पर बैठा देता है, और बाद में जैसे ही शाहजहां का यह खबर मिलता है, वो जितने भी गद्दी के दावेदार होते हैं सबको क्या करता है, मौत की घाट उतार देता है। बाद में जैसे शाहजहां आता है, दाबर बख्श को भी क्या किया जाता है, मौत की घात उतार दिया जाता है और शाहजहां को गद्दी दे दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से शाहजहां जो है पूरी तरह से सत्ते पर, एक दिल्ली के जो है गद्दी पर बैठ जाता है और उसका राज्याभिषेक होता है, और नूरजहां का जो ताकत बोला जाए एकदम कम हो जाता है, उसे 2 लाख पेंशन पे लाहौर भेज दिया जाता है, और फिर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है वहीं पे, और वहीं पे जो है आपका जहांगीर के जहां दफनाया जाता है वहीं पे उसे नूरजहां को भी दफना दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी कहानी रही जो कैसे मतलब नूरजहां गुट से अलग होके और सुल्तान बनने की, राजा बनने की जो कहानी थी कुछ ऐसी थी। तो जो आसफ खान की बिटिया से जो ब्याह किए रहते हैं आपके शाहजहां, उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम रहता है, ये याद रख लो, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे। और इन्हें जो है शाहजहां ने मालिक ए जमानी की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? मालिका ए जमानी की उपाधि दी थी। और 1631 में 14वें संतान के जन्म के समय जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। टोटल 14 संतान बोला जाता है कि इनके जो है लड़के थे, ठीक, 7 लड़कियां 7 लड़के ऐसे बोला जाता है। तो उसमें से सिर्फ 4 जो हैं, 4 लड़के और 3 लड़कियां जो हैं बचती हैं, बाकी सभी मर जाते हैं।
और इन्हीं के याद में इनके मरने के बाद जो है आपके शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो संसार का सबसे प्रसिद्ध एक तरह से बोल सकते हो, और ये इसे 1983 में अप्रॉक्स ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चला गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताजमहल आपका आ गया था 1983 अप्रॉक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने सिंहासन के लिए साजिश आपको बता दिया कि कैसे साजिश चल रहा था, सभी परिवार के जितने भी दावेदार होता है उनसे को क्या करता है, कत्ल करवा देता है, और दाबर बख्श जो होता है इसे क्या कर गद्दी पर बैठाया कि कुछ दिन तक रखा था, इसीलिए इसे बाली का बकरा बोला जाता है कि ये कुछ दिन के लिए सिर्फ क्या करता है, उसका ससुर जो होता है शाहजहां का इसे गद्दी पर बैठाता है, जैसे शाहजहां आता है इसे मार दिया जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, बली का बकरा हुआ कि रोज लोगों के नजर में सिर्फ इसे राजा जो है बनाया जाता है कुछ दिन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, अब जब सब कुछ इनके विरोधी जो है समाप्त हो गए हैं तो इनका राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ, 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ, कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। ठीक है, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, क्या है, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ जो है ये राजा बनता है आगरा में। ठीक है, इसके विश्वास पात्र कौन रहते हैं, इनके ससुर आसफ खां, 7,000 जात और 7,000 सवार के साथ इनसे मनसबदार बना दिया जाता है। ठीक है, और इन्हें वजीर का पद जो है प्रदान कर दिया जाता है, राज्य का वजीर बना दिया जाता है। महावत खां जो होते हैं, जो नूरजहां के कहने पर जब ये विरोध किया रहता है तो क्या करते हैं, दबाते हैं इसके विरोध को, उसे भी 7,000 जात और 7,000 सवार के साथ खाने खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद नूरजहां को 2 लाख मैंने बताया कि प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने के लिए कहा गया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, कुछ दिन तक ऐसा नहीं था, आगरा में रहा, फिर दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया। कुछ निर्माण कार्य इसने आगरा में भी किया और कुछ आपका दिल्ली में भी इसने किया था। अब आ जाते हैं, जिस पे बैठता था शाहजहां उस सिंहासन को क्या कहा जाता था, तख्त ए ताउस कहा जाता था। ये भी आपसे पूछता है तख्त ए ताउस क्या था, तो ये राज सिंहासन था जो शाहजहां के समय में था। अब इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में बात करें तो जैसे आपके अकबर और जहांगीर रहे वैसा इसका धार्मिक नीति कुछ नहीं था, ये मुसलमानों के प्रति उदार था और हिंदुओं के प्रति बोला जाए तो कट्टर था, हिंदुओं से इसकी एकदम नहीं पटती थी, हिंदुओं में इसे कोई भी उदारता की भावना नहीं थी, ये उसकी धार्मिक नीति के बारे में हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके समय में विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ, भाई हर राजा के समय में विद्रोह होता, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ा दिया, जितने भी आपके राजा जब भी चेंज होते हैं कहीं ना कहीं विद्रोह होता है, सब सोचते हैं कि हम विद्रोह करके स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राजा इतना जो है आसानी से किसी को स्वतंत्र नहीं होने देगा। ठीक है, अब इसको मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे कहां कहां पर आक्रमण हुआ और क्या क्या आपका शाहजहां ने हासिल किया। देखो ये मैप है जिसमें आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये गोंडवाना क्षेत्र है। ठीक है, इस पे अटैक हुआ था इसके समय में, और यहाँ पे देखो जो ग्रीन में आपको कलर दिख रहा है ये औरंगजेब ने इसको, ये सब चीजों पे औरंगजेब ने, जब शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा तो इन सब पर कब्जा किया था। इससे पहले जो और आपको जो इस कलर में दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सब किसका है, सब अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर का ये सब फैलाया हुआ है, तो ये लोग शाहजहां और जहां कहीं अपना जो है साम्राज्य फैला नहीं पाए थे, बस साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे उनको रोकने में ये कामयाब हुए थे कि वो अपने आप से स्वतंत्र न हो पाए। और शाहजहां का काल ऐसा बोला जाता था कि इसके पास उस समय कोई भी पैसे और इस जब ये राजा बना था धन और दौलत की कमी नहीं था, इसका राजस्व हमेशा पैसे से भरा हुआ था, इसीलिए हमेशा ये क्या रहा कि पूरा ऐश की जिंदगी बिताया, बोला जाता है कि इसकी जो जिंदगी बीती है वो पूरी की पूरी ऐश में बीती है। तो ये रहा, ये आपको मैं मैप के बता दिया कि ये गोंडवाना क्षेत्र है, इसी पे शाहजहां के द्वारा अटैक होगा। आप देख लेते हैं आगे, बुंदेलखंड का विद्रोह होता है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा दे रहा हूं, हाँ बुंदेलखंड का विद्रोह होता है कब, 1628 से 1636 के बीच में विद्रोह होता है। यहां पे जो वीर सिंह बुंदेला था, जो वीर सिंह बुंदेला ये
आपका जहांगीर के समय में जहांगीर के कहने पर ही अबुल फजल का क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। उसी के बेटे को जिसका नाम था जुझार सिंह, नाम से ही लगता है जुझार, तो जुझार तो करेगा ही। तो ये क्या किया, अपने जो इसे इसको राज्य दिया गया था बुंदेलखंड, वहां पे लोगों पे काफी कड़ाई करके उनसे जबरदस्ती पैसा, काफी मात्रा में धन वसूला था। तो उसका राजस्व में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसके कारण शाहजहां ने उसकी जांच कराने के लिए बोला था कि इतना भयंकर पैसा इसके राजस्व में कहां से आ गया, कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे देख के जब 1629 में 1628 में शाहजहां ने वो मना कर दिया जांच कराने के लिए, तो 28 पर शाहजहां ने उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद अब उस मुगल राजा के सामने तो इसकी तो चलेगी कुछ नहीं, इसने अपना क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया 29 में, और 5 साल तक मुगल दरबार में जुझार सिंह जो है सेवा में रहा, किसके, शाहजहां के। फिर बाद में वो क्या, उसका दिमाग सटकता है और गोंडवाना पर आक्रमण कर देता है। मैंने अभी गोंडवाना का क्षेत्र आपको दिखाया, वहां पर जाता है, वहां के राजा के साथ मिलकर वहां पे आक्रमण कर देता है। तो वहां से क्या होता है, शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब को भेजता है कि भैया जाओ जुझार सिंह के थोड़ा जूझो कि काहे इतना पगला गया है। तो अब अपनी सेना, विशाल सेना लेके औरंगजेब जाता है और जुझार सिंह को हरा देता है, और वहां पे परास्त करके भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना देता है। ठीक है, ओरछा जगह है गोंडवाना में, वहां का शासक आपका बना देता है। इस तरह यह विद्रोह 1635 में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बुंदेल वाले जो राजा थे हमेशा इसके फेवर में रहे, लेकिन तभी भी चंपत राय और छत्रसाल जो और महोबा जैसे शासकों का बुंदेलों से, जो बुंदेल जो शासक थे इनका मुगलों से हमेशा संघर्ष क्या हुआ, चलता रहा था। अगला जो है विद्रोह होता है वो खाने जहां लोधी का विद्रोह होता है। ये अफगानी एक सैनिक था जिसका विद्रोह 1628 से लेकर 1631 के बीच में होता है। ये शाहजहां के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता। पीर खा उर्फ खाने जहां लोधी इसका नाम था, ये अफगान सरदार था। इसे मालवा का सूबेदारी दी गई थी। ठीक है, इसे मालवा का क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। लेकिन इसका भी रहते रहते क्या हो जाता है, दिमाग सटक जाता है, और ये अपने आप को, क्योंकि एक बार क्या होता है, ये मुगल दरबार में गया होता है और इसे आदर सम्मान नहीं मिलता है, तो ये अपने आप को असुरक्षित समझता है। और जब वहां से आता है तो 1629 में दक्षिण की तरफ ये रुख करता है, और दक्षिण के जो राजा रहते हैं अहमदनगर में, उनसे कुछ सहायता मांगता है कि मुझे विद्रोह करना है शाहजहां के खिलाफ, मुझे सहायता करिए। अब वो कहते हैं ठीक है, आप अहमदनगर को आजाद करा दो, तब हम जाके आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसमें जब शाहजहां को यह खबर पड़ती तो शाहजहां भी अपने सैनिक लेके इसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, और दोनों के बीच में युद्ध होता है, और यहां से ये भाग खड़ा होता है। ठीक है, खाने जहां, और भागते हुए ये कहां पकड़ा जाता है, फिर ये बांदा जिला जो यूपी का आपका, वहीं पे एक प्लेस है सिहोंदा, वहीं पे इसे पकड़ता है कौन, माधो सिंह पकड़ता है, और पकड़ के इसका हत्या कर देता है। और इस तरह 1631 में खाने जहां का भी जो चैप्टर होता है वो क्लोज हो जाता है आपका। ठीक, ये भी इनका विद्रोह शांत हो जाता है। पुर्तगालियों का भी प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था शाहजहां के समय में, तो इसने भी क्या किया कि सैनिक भेजकर उनके जो व्यापारिक केंद्र थे हुगली, उस पर कब्जा कर लिया, ताकि पुर्तगाली भी क्या हुए, ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे करके जो मुगल एम्पायर है उसको कम किया जाए और अपना जो है राज्य शुरू किया जाए। लेकिन शाहजहां ऐसा होने नहीं देता है, उनके पहले ही व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लेता है, ताकि पुर्तगालियों का जो साहस बढ़ रहा था वो कमजोर पड़ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, और इनके साथ शाहजहां का मुकाबला हुआ था सिख के छठे गुरु हरिगोविंद से हुआ था। ठीक, जहां पर मुगलों का जो है एक तरह से काफी संघर्ष हुआ और ये हार गए, कौन आपके सिख गुरु हार गए। मुगल तो हारेंगे नहीं, क्योंकि ये सिख गुरु जो थे इनके पास उतनी सेना नहीं थी, और जब ये जो लोग लड़े तो मुगल सेना इन पर ज्यादा जो है टूट पड़ी और ये हार गए। और इसी समय बोला जाता है कि आपके 1630 और 32 के समय में जो है आपके कौन, पीटर मुंडी जो इतिहासकार हैं उनके दरबार में शाहजहां के, उन्होंने उल्लेख किया है कि बहुत भीषण क्या हुआ था, अकाल भी पड़ा था। ठीक, याद रखना। अब आ जाते हैं इनके साम्राज्य विस्तार की नीति पर, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि इन्होंने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तार किया था। तो ये पहले जो है दक्षिण में जो है साम्राज्य अपना लेकर चलते हैं, क्योंकि बाकी सब उत्तर वाला पार्ट तो इनके अंडर में ही रहता है, दक्षिण वाला पार्ट ही
हर बार आक्रमण होता है, हर बार वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले अहमदनगर की बात करते हैं। अहमदनगर पर जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाली मलिक अंबर को, ठीक है, जब जहांगीर आक्रमण किया था अहमदनगर पर, तो मलिक अंबर जो वहां का वजीर था वो रक्षा किया था, और फिर बाद में इनमें संधि होती थी तो इन्हीं पे शाहजहां जो खुर्रम था उसको शाहजहां की उपाधि दी गई थी। तो इन्हीं का पुत्र था, कौन था देख लो, मलिक अंबर का पुत्र था फतेह खां। वो क्या कर देता है, जो है विद्रोह पैदा कर देता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए आपके महावत खां आते हैं, और वो महावत खां आपके दक्कन और दौलताबाद को अपने में मिला लेते हैं। आते वक्त अहमदनगर में जो दक्कन और दौलताबाद पड़ता है, महावत खां उसे भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं, और बाद में 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। जो अहमदनगर है इनको क्या करता है, हरा देती है सेना मुगल की, और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन नाम मात्र के शासन हुसैन शाह जो वहां के रहते हैं उनको ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया जाता है। जो हुसैन शाह रहता है वहां का शासन, उसे क्या किया, कैद कर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। इस प्रकार निजाम शाही वंश जो वहां पर रहता है अहमदनगर में, उसका अंत हो जाता है, ये कहा जाता है। शिवाजी के जो पिताश्री थे, क्या नाम था उनका, शाहजी भोसले ने 1635 में मुर्तजा तृतीय, ठीक है, को निजाम शाही वंश का शासक घोषित कर, ठीक, संघर्ष किया, किंतु ये सफलता हाथ ना लगी, ठीक है। वो एक मुर्तजा तृतीय नाम का निजाम शाही वंश का कोई था, उसे कहा कि ये निजाम शाही वंश के शासक है, इसे घोषित करके और मुगलों के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। शाहजी की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने किया था। जब ये विद्रोह किए थे तो एक तरह से बोला है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, कौन इनके साथ था, गोलकुंडा के शासक और बीजापुर के जो शासक थे ये इनकी सहायता कर रहे थे। जब शाहजहां को ये पता चला तो शाहजहां भी कहा, भैया रुको, तुम लोगों को भी जो गोलकुंडा और बीजापुर है इनको भी अब अपने में ही सम्मिलित कर लेंगे। इसलिए शाहजहां इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचता है, ठीक है। और गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह, जैसे ही वो दौलताबाद पहुंचता है तो जो अब्दुल्ला शाह होते हैं गोलकुंडा के, वो खुद ही शाहजहां के पैरों में गिरकर माफी मांग लेते हैं और संधि कर लेते हैं कि भैया हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो संधि क्या होती है, देखो वो ध्यान रखो, बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक जो एक कर देने का मंजूर किया जाता है कि आप वार्षिक 6 लाख रुपया दोगे कर, ठीक, ये मान जाते हैं। बादशाह के नाम पर सिक्के डलवाने और खुतबा पढ़वाने का भी इन्होंने संधि किया, शाहजहां ने बोला इनसे। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के सैन्य कार्रवाई में सहयोग करें, जो अब गोलकुंडा पे या तो पहुंच ही चुके थे दौलताबाद के बाद, और इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया गोलकुंडा के राजा, तो अब इनका नेक्स्ट कौन था, बीजापुर था। तो ये बोले शाहजहां कि बीजापुर के लिए आप मुझे सैन्य जो है शक्ति देंगे, उस पर आक्रमण करना है तो आप हमारी सहायता करेंगे, उस पर भी मान गया। गोलकुंडा के शासक ने अपने पुत्री का विवाह, ठीक है, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया। यहां पे जो है वैवाहिक संबंध बना के गोलकुंडा को किसमें, मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया था। मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था एक, इसके बारे में आपसे अगर पूछता है तो यह एक व्यापारी था जो गोलकुंडा का वजीर था, ठीक है, लेकिन कुछ होने के कारण यह कहां चला गया था, मुगल सेना में चला गया था। गोलकुंडा में इसकी दाल नहीं गली तो ये मुगल सेना में भर्ती हो गया। उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था, भेंट किया था, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो आपका ये मीर जुमला था जो कहां का, फारस का व्यापारी था, इसने दिया था। बीजापुर पे आ जाते हैं, अब अगला अटैक कहां होगा आपका, बीजापुर पर होगा। गोलकुंडा पे हो गया, अब बीजापुर पे होगा। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से आधीनता स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसके ऊपर तीन ओर से, देखो आधीनता ना स्वीकार करने पर, ठीक है, वो आसानी से नहीं उनकी आधीनता स्वीकार कर रहा था, तो शाहजहां ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने पर उसे भागने का कोई
मार्ग नहीं मिला, तब आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तें स्वीकार करते हुए क्या कर लिया, उनसे संधि कर लिया। अब संधि में क्या क्या शर्तें थी वो देख लो। संधि की शर्तें यह थी कि बादशाह को वार्षिक कर देना होगा, ठीक है, हर साल उन्हें पैसा भिजवाना होगा, गोलकुंडा को परेशान ना करना होगा, जो गोलकुंडा है ऐसा ना करो कि तुम्हें ताकत बढ़ जाए तो तुम गोलकुंडा पे आक्रमण कर दो, क्योंकि वो क्या हो गए थे, एक तरह से वैवाहिक संबंध हो गया था उनसे और वो मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे एक तरह। शाहजी भोसले का, जो शाहजी भोसले थे हर बार किसी ना किसी को लेकर आ जाते थे और विद्रोह करना शुरू कर देते थे आपके मराठा, तो उनकी सहायता ना करना, यह सब संधि में कहा गया। इस तरह बादशाह शाहजहां 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया, दिल्ली चला गया। क्या किया, 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्कन का, एक बोला जाए दक्षिण पूरे जितने भी दक्षिण में उसने जीता था उन सभी का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और अपने कहां चला गया, दिल्ली चला गया। दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन देख लेते हैं एक बार कि कैसे औरंगजेब के समय में वो वहां पे राज करता था। औरंगजेब 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा, जो भी काम होता था दक्षिण में, जितनी भी सैनिक कार्रवाई होती थी बिना इसके आदेश से नहीं होता था। इसके पास पहले कोई भी आएगा आदेश लेके, कुछ भी करना है, कोई नया इंप्लीमेंटेशन करना है राज्य में साउथ की तरफ, तो पहले इसे औरंगजेब देखेगा, औरंगजेब फिर अपने पिता श्री दिल्ली भेजेगा वो ऑर्डर, वहां से जब पारित होके आएगा औरंगजेब उसे पारित करेगा, तब जाके दक्षिण में कोई काम होगा, ये ऐसा होने लगा था। इसी बीच उसने औरंगाबाद के मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों को राजधानी बनाया, किसे बनाया, औरंगाबाद को, ठीक है, तो औरंगाबाद को राजधानी बना लेता है। जितने भी दक्षिण के आपके प्रांत उसने जीते रहते हैं उन सबकी राजधानी क्या होती है, औरंगाबाद होती है। इसने दक्षिण में मुगल प्रदेश के निम्न सूबों को विभाजित किया, जैसे खानदेश जो जगह था इसका राजधानी बुरहानपुर बनाया, उसके बाद से जो बरार था इसकी राजधानी इलीचपुर बनाया, और तेलंगाना की जो राजधानी थी उसे नादेर बनाया, ठीक, इन सभी को जो है अलग अलग राजधानियों में बांट दिया ताकि जो आपके कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। आगे बढ़ जाते हैं और अहमदनगर, इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते गए क्षेत्र शामिल थे, जो भी अहमदनगर था इनमें, जो पूरा तो अहमदनगर पे कब्जा नहीं था, जो सब क्षेत्र थे वो अहमदनगर प्रांत में आपके आते थे। 1644 ईस्वी में औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या किया, जो इसे राज प्रतिनिधि पद दिया गया था, जब 1644 में इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसका कारण क्या था, क्यों अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो दारा सिखो था उसका निरंतर प्रयास क्या था, वो शाहजहां से सोच रहा था कि किसी तरह राज सिंहासन पा जाए, मतलब शाहजहां के एकदम सेवा में लगा हुआ था, और ये कहीं ना कहीं औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे तो एक तो दिल्ली से इतना दूर रख दिए हैं और शाहजहां को वहां पे जो दारा सिखो है वो उनकी सेवा कर रहा है, और सेवा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे मेवा मिलेगा, तो मेवा मतलब क्या, राजगद्दी मिलेगी। इस टेंशन से वो आकर क्या किया, राज प्रतिनिधि पद त्याग दिया था। बाद में क्या हुआ, ठीक है, किसी तरह अपने मानसिक स्थिति को संभालता है और उसे 1645 में गुजरात का शासक बना दिया जाता है, ये भी बना रहता है। बाद में वो बलख, बदखसा तथा कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया रहता है, इस आक्रमण में वो असफल रहता है, मतलब सफलता उसे प्राप्त नहीं होती है। औरंगजेब को कहां भेजा जाता है, बलख, बदखसा और कंधार, ये सब मैंने बताया, ये सब कहां है, आपके अफगानिस्तान में प्रांत है, यहां पर भेजा गया और यहां पे वो असफल रहता है। 1600 ईस्वी में पुनः उसे दूसरी बार दक्कन का राज प्रतिनिधि बना दिया जाता है, जिस पोस्ट को उसने छोड़ा होता है फिर से उसको जो है शाहजहां के कहने पर क्या किया जाता है, उस पोस्ट को दे दिया जाता है कि भैया काहे गुस्सा होकर छोड़ दिए हो, पोस्ट संभालो, पोस्ट बहुत बड़े काम की चीज है, ठीक है। फिर वो अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते हैं राज प्रतिनिधि के रूप में, तब से लेके दौलताबाद औरंगाबाद उसकी सरकार का प्रधान केंद्र रहा, दौलताबाद और औरंगाबाद मेन सेंटर था जहां से सब कुछ सरकारी कामकाज जो है चलाए जाते थे। 1652 से लेके 1657 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में
मुर्शिद कुली खां के सहयोग से, ठीक है, कौन, मुर्शिद कुली खां के सहयोग से, जो दूसरा कार्यकाल इसने शुरू किया, उनके सहयोग से अर्थव्यवस्था में वृद्धि किया। इसने क्या किया, जो आपके अर्थव्यवस्था में कौन सा नियम लगाया, जो टोडरमल का जो नियम था और मलिक अंबर का जो नियम था, उस लगान व्यवस्था को इसने लागू किया, जिससे क्या हुआ, दक्षिण की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ। औरंगजेब ने अपने द्वितीय कार्यकाल में, ठीक है, के दौरान संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 ईस्वी में संपन्न संधि का अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। क्या हुआ था भैया, जो गोलकुंडा से आपका क्या हुआ था, संधि हुआ था, उस संधि की अवहेलना कौन कर दिया, उस संधि की अवहेलना जो है आपके वहां के शासक कुतुब शाह ने कर दिया। सोलह जब यह सब चीज औरंगजेब को पता चली कि इसने जो चीज गोलकुंडा के साथ संधि हुई थी वो अपने शर्तों पे नहीं बना है, हमें पैसा नहीं भेज रहा है, वो दुश्मनों की सहायता कर रहा है, तो औरंगजेब अब मन बना लेता है गोलकुंडा को आक्रमण करने के लिए। और उसे यह भी पता चल जाता है कि जो मीर जुमला का पुत्र था मोहम्मद अमीन, उसको भी कुतुब शाह ने क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। तब 1656 पे औरंगजेब गोलकुंडा पर घेरा डालता है और वहां के जो आपके कुतुब शाह होते हैं उनमें के बीच इनका आक्रमण होता है, और कुतुब शाह जो है भयभीत हो जाता है, किससे, औरंगजेब से, और उनकी हर शर्त मानने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसलिए वहां पे इन दोनों के बीच में फिर से जो संधि होती है कि भैया तुम अपने औकात में रहो, औरंगजेब को तो सब लोग जानते हो इतना ताकतवर था, जब मेन रोल में आएगा तब तो और तबाही मचाएगा, अभी तो मेन रोल में है ही नहीं, ठीक, तो इनके बीच में संधि हो जाती है, तो ये भी अपना जो है शांत हो जाता है मामला। उसके बाद से शाहजहां ने मध्य एशिया पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब और किसे, शाहजादा मुराद को भेजा था। पहले तो शाहजादा मुराद को भेजा 1645 में, इसे भी कोई सफलता नहीं मिली, तो ये सोचा चलो अब अगली बार हम 47 में किसे भेजा, औरंगजेब को भेजा, इसे भी सफलता नहीं मिली, ये भी हार के वापस आ गया था। कंधार की बात कर लें, इसके लेकर मुगलों का बहुत आक्रमण रहा है शुरू से, आपके अकबर से लेके हुमायूं से लेके हमेशा कंधार का जो है आपका चर्चा रहा है। कंधार कभी इनके हाथ में आता था तो कभी फारस वालों के हाथ में चला जाता था, तो वही होता है, कंधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा, ठीक, शुरू से ही कारण था। 1628 में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खां ने मुगलों को दे दिया, ठीक, जो आपके 1628 में जो कंधार का किला था वो मुगलों को दे दिया गया, लेकिन 1648 में पुनः फारसियों ने उस पर अधिकार कर लिया, फिर से उस पर अधिकार हो गया, ठीक। तो 1649 ईस्वी में 1652 में कंधार को जीतने के लिए दो सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों असफल हुए, दोनों में असफलता जो है हाथ लगी, दोनों में फिर से कंधार को ये लोग प्राप्त नहीं कर पाए। 1653 में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगल अधिपत्य को नहीं स्वीकारा, ठीक है, मतलब एक तरह से बोला जाए कि शाहजहां के शासनकाल में पूर्ण रूप से कंधार जो है आपका मुगल शासन से दूर हो गया, ठीक, ये याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं, शाहजहां ही बीमार पड़ जाता है भाई साहब, और यहीं से तो महान जो है औरंगजेब जो है आपका शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू कर देता है, उत्तराधिकारी का एकदम सबका गला काटवा देता है। तो इसके बीमार पड़ते ही सभी लोग क्या करते हैं, उत्तराधिकारी के जितने इसके पुत्र होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं, देख लेते हैं। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था, उस समय उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक, जब बीमार था तो काफी सेवा करता था दारा शिकोह, ठीक, और बोला जाए तो सभी इसके पुत्रों में सबसे विद्वान, सबसे अच्छी सूझबूझ रखने वाला यही इंसान था, ज्ञानी भी था, समझ भी थी हर चीज की, ठीक, तो इसीलिए इसे शाहजहां जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और ये बात जो है कहीं ना कहीं औरंगजेब को हजम नहीं होती है, ठीक है। दारा राजधानी में रहकर अपने पिता का जो है सेवा करता था और देखभाल करता था।
आगे बढ़ जाते हैं। अब शुरू हो जाता है क्या, उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है भैया यहां से, कि मेन उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि यहां तो शाहजहां ने किसे घोषित कर दिया है, यहां तो दारा सिखों को कर दिया। तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा सिखों, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, कौन कौन थे, दारा सिखों, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में उत्तराधिकारी के लिए क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। और शाहजहां की मुमताज बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में से 7 जीवित रहते हैं। मैंने बताया था 14 संतान थे, जिसमें से 7 जीवित रहते हैं और 4 लड़के और 3 लड़कियां रहती हैं। जैसे लड़कियां कौन कौन सी होती हैं, जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 लड़कियां होती हैं। जहान आरा ने दारा का, ठीक, रोशन आरा ने औरंगजेब का एवं गोहन आरा ने किसका, मुराद का, जो है समर्थन किया था। जो दोनों, सबके बीच संघर्ष हुआ तो बहनों ने भी क्या किया, अलग अलग भाइयों का समर्थन किया। जहान आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने किसका, मुराद का, जो है एक तरह से समर्थन किया था। शाहजहां के चारों पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित और सभ्य व्यक्ति था। शाहजहां के द्वारा दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए और उसे शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था। किसकी उपाधि दिया गया था, शाहजहां ने इसे शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दिया था और इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसी के लिए तो सब कुछ हो जाता है कि भैया युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाता है। अब युद्ध पे आ जाते हैं कि युद्ध कहाँ शुरू होता है, युद्धों की श्रृंखला शुरू होती है उत्तराधिकारी के लिए। प्रथम युद्ध होता है शाह शुजा एवं दारा के लड़के, ठीक है, शाह शुजा जो था और दारा का जो लड़का था कौन, सुलेमान सिको तथा अमेर के राजा जय सिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 ईस्वी को कहां होता है, ये बहादुरपुर, ये कहां पे जगह है, बिहार में है, यहां पे संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में शाह शुजा क्या हो जाता है, दारा सिखों से हार जाता है। ठीक, पहला युद्ध शुरू हुआ, इसमें शाह शुजा और दारा सिखों के एक तरह से मान सकते हो मेन रोल था और शाह शुजा का हार हो जाती है। दूसरा युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच होता है, औरंगजेब और मुराद बख्श तथा दारा के सेना, ठीक है, औरंगजेब एक तरफ रहता है, एक तरफ मुराद बख्श, दारा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे। ठीक, इनके बीच में होता है कब, 25 अप्रैल 1658 को, कहाँ पे होता है, धर्मट एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे होता है। और इस स्थान पर क्या होता है, दारा जो है हार जाता है। इतने लोग दारा के साथ रहते हैं, दारा की सेना रहता है, मुराद बख्श रहता है, उसकी सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, जसवंत सिंह कर रहे थे और कासिम खां कर रहे थे। ये सभी लोग औरंगजेब से टकराते हैं और औरंगजेब इन सबको हरा देता है। और युद्ध कहाँ होता है, धर्मट मध्य प्रदेश में है, वहां पर युद्ध होता है। तीसरे युद्ध की बात कर दें, और यही इस युद्ध के बाद, विजय होने के बाद औरंगजेब ने इस युद्ध के स्मृति में फतेहाबाद, जो हरियाणा में जगह है, इस शहर की स्थापना करता है। ठीक, याद रखना, जब युद्ध जीतता है धर्मट वाला, तब औरंगजेब फतेहाबाद शहर की जो है स्थापना करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो कौन होगा, औरंगजेब होगा। तीसरा युद्ध, ठीक है, तीसरा युद्ध उत्तराधिकारी का दारा और औरंगजेब के मध्य होता है 8 जून 1658 को। कौन सा ये युद्ध है, यही मेन युद्ध बोला जाता है, यही ये टर्निंग पॉइंट था सामूगढ़ का युद्ध। ये आगरा के आसपास सामूगढ़ है, यहां पर लड़ा गया, इसमें दारा की पराजय हुई और औरंगजेब फिर से जीत गया। अब यहीं से बोला जाए तो एक तरह से ये युद्ध जो है उत्तराधिकारी का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। ठीक, 5 जनवरी 1659 को उत्तराधिकारी का एक और युद्ध खजुआ फतेहपुर सिकरी में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, खजुआ एक जगह है नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगजेब इसमें क्या हुआ, सफल हो गया। ठीक, यहाँ पे इस युद्ध में भी जब जसवंत सिंह इसके विरुद्ध लड़ने आए तो यहाँ पे औरंगजेब सफल हो गया। और उसके बाद से औरंगजेब क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि सब जितने भी युद्ध हुए उसमें सबसे ज्यादा सफल कौन होता है, औरंगजेब होता है। दारा सिखों तो पहले ही अपना हार मान जाता है। और जैसे ही गद्दी पर बैठता है,
अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच जो होती है वो कब होती है? 12 से लेके 14 अप्रैल 1659 में होती है। उसे देवराई घाटी का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध में पूर्ण रूप से एक तरह से बोला जाए औरंगजेब का पूरा कब्जा हो जाता है, दिल्ली का राजा बन जाता है। इस युद्ध के पराजित होने के बाद उपरांत दारा जो एकदम हताश होकर राजधानी भाग जाता है, मतलब कहाँ भाग जाता है आपका, दिल्ली भाग जाता है। और औरंगजेब उसे पकड़ने का क्या कर देता, आदेश दे देता है और कहता है उसे पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर कर मेरे सामने पेश किया जाए। तो यही होता है, उसका जो दारा का जो सर होता है कटवा के उसका जो औरंगजेब का सेनापति होता है वो लेकर आता है। और एक औरंगजेब कहता है इसका जो सर है कटा हुआ, जो धड़ है ये हुमायूं के मकबरे में क्या कर दिया जाए। इस बोलता क्या है, वर्ड बोलता है वो, इस अभागे को हुमायूं के मकबरे में दफना दो। उसका भाई ही रहता है दारा सिंह को, उसका ये बताओ ऐसा भाई रहता है कि अपने भाई का सर मांगता है कि उसका कटा हुआ सर मेरे सामने पेश करो। तो इसका सिपाही जब दारा सिंह को पकड़ता है, उसका सर काटता है और वो सर ले आके राज दरबार में प्लेट में उसके सामने प्रस्तुत करता है कि साहब ये रहा आपके भाई दारा सिंह का सर। तब औरंगजेब कहता है कि इस अभागे को हुमायूं के मकबरे में ले जाकर क्या कर दो, दफना दो। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे दारा सिंह का खत्म हो गया। और कौन आ गया भैया, औरंगजेब आ गए राज करने एक तरह से। अब पिता तो बीमार, वो बेचारे बूढ़े क्या कर पाएंगे बीमार व्यक्ति, तो उन्हें भी क्या करता है जेल में डाल देता है एक तरह से। इस प्रकार औरंगजेब अपने सभी भाई भतीजों को मारकर अपने वृद्ध पिता को तख्त ए ताऊस से हटाकर आगरा के किले में कैद कर लिया और खुद 1658 में मुगल सम्राट का राजा बन गया। ठीक है, साम्राज्य का राजा बन जाता है। शाहजहां की मृत्यु के बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि शाहजहां तुरंत थोड़ी मरते हैं, इनको मारता नहीं है, इतना कम से कम ये ध्यान रखता है कि पिताश्री हैं तो इन्हें मारना नहीं है, कैद में भला ही डाल देता है कि अगर जानता अगर ये बाहर रहे तो कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से जुगाड़ पानी लगवा कर मेरे विरुद्ध जो है कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर देंगे। तो इसलिए इनको क्या कर देता है, पहले ही कैद कर देता है। तो आगरा के किले में कैद किया रहता है, जहां पे अंतिम समय में ये इनकी जो है पुत्री जो है वो काफी जो है सेवा करती है, क्या नाम रहता है उसका, जहां आरा थी वो इनकी काफी सेवा करती है। और 1666 में जनवरी का समय था जो है इनका देहांत हो जाता है। और इस तरह से शाहजहां का जो है चैप्टर क्या हो जाता है आपका, क्लोज हो जाता है। और इन्हें भी ले जाकर कहाँ दफना दिया जाता है, जहां इनकी बेगम ताज जो है मुमताज को दफनाया गया होता है वहीं पे इन्हें भी ताजमहल में ले आकर दफना दिया जाता है। ठीक, आ जाए और देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। शाहजहां का चैप्टर तो खत्म हो गया, वो मर गए। अब उन्होंने क्या क्या किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में जान लेते हैं ये कौन था। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। क्या था, ये सरकारी इतिहासकार था इनके दरबार में शाहजहां के समय में, ये इतिहासकार था। इनका रोल क्या होता है, इन्होंने क्या ना लिखा है, पातशाहनामा, ठीक है, एक रचना किया है पातशाहनामा। इस रचना में शाहजहां के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब जो भी आपको मैंने ये सब बताया इस पातशाहनामा में लिखा गया है ये घटनाएं। आगे देख लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा के दो शैलियां प्रचलित थी। ठीक है, दो शैलियां फारसी भाषा की प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी, दूसरी जो थी वो कौन थी, ईरानी फारसी। दो शैली थी, एक थी भारतीय फारसी और दूसरी कौन थी, ईरानी फारसी। तो भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। ठीक है, बोल सकते हो कि जो आपकी भारतीय फारसी शैली थी उस पे जो भी काम करता था वो कौन किया था, अबुल फजल ने किया था। ठीक, उसके बाद से इनके शासनकाल में जो उसी शैली पर, फारसी शैली पर काम करने वाले लोग थे वो कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस और चंद्रभान। ठीक है, ये लोग थे जो इन्होंने किस पर काम किया था, फारसी शैली पर, भारतीय फारसी शैली पर काम किया था। ईरानी फारसी शैली में कौन कौन लोग थे, कौन विद्वान थे, अमीनाई काजविनी, ठीक है, अमीनाई काजविनी और जलालुद्दीन ताबा तबाई। कौन था, जलालुद्दीन
तबाई ये लोग थे जो इनके किसमें ईरानी फारसी शैली पर काम किए थे। आगे बढ़ जाते हैं। 1902 का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे कौन दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। दारा शिकोह ने जितने भी उपनिषद थे उनका सबका फारसी में अनुवाद किया था। किसके साथ किया था? सिर ए अकबर के शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। किसमें? फारसी लैंग्वेज में। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर भी कहा है। ठीक, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लघु अकबर किसे कहा जाता है तो दारा शिकोह को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से आपका। ठीक, यही नहीं शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दिया था। ठीक, और मज़म उल बहरीन ये क्या है? एक रचना है। किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। मज़म उल बहरीन दारा की ये मूल रचना है। अगर आपसे पूछता है तो याद रखना दारा की रचना कौन सी है, आपको ऑप्शन दे दे तो उसमें याद रखना मज़म उल बहरीन उसकी रचना थी। शाहजहां के कुछ कार्य के बारे में हम ले लें डिटेल जानकारी कि इसने क्या क्या कार्य किए थे। देख लो, शाहजहां ने सिजदा और पायबोज का जो प्रथा था उसे समाप्त कर दिया। ठीक, जो आपके सिजदा और पैबोस चलाया गया था उसे क्या किया इसने कि झुककर और पैरों को सुल्तान के पैरों को चूमना होता था, यह सब समाप्त कर दिया। इलाही संवत के स्थान पर, ठीक है, कौन सा संवत चालू हुआ? हिजरी संवत जो है इसने चालू हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो गौ हत्या अकबर और जहांगीर ने रोका था उसे इसने क्या किया? चालू करा दिया कि आप गौ हत्या कर सकते हो। इसीलिए इसे कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति उदार नहीं था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को भी तुड़वा दिया। इससे यह प्रमाण मिलता है कि सिर्फ ये जो है मुस्लिमों के प्रति उदार था, बाकी किसी भी धर्म, क्योंकि गिरजाघर को हिलवा देते, ईसाइयों के प्रति भी इसकी उदारता नहीं थी, इसीलिए क्या किया उसके गिरजाघर को भी ये गिरवा दिया। मुगल कालीन स्थापत्य और वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। इसीलिए इसके शासनकाल में काफी अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ। इसीलिए मुगल काल का जो इसे क्या बोला जाता है, गोल्डन स्वर्ण काल भी बोला जाता है। शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक, ये याद रखना, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अब इसके समय में विदेशी यात्रियों के बारे में देख लें तो शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगल कालीन भारत की यात्रा की। कौन कौन था भाई, देख लो। इन विदेशी यात्रियों में दो यात्री फ्रांसीसी थे। कौन था? एक जिन बाप्तिस्ते टेविनियर, जो एक जौहरी था। ठीक, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा किया था इसने। याद रखना क्या नाम है इसका, जिन बाप्तिस्ते टेविनियर। दूसरा यात्री था फ्रांसिस बर्नियर। कौन था? फ्रांसिस बर्नियर, जो फ्रांसीसी डॉक्टर था एक तरह से। इसने भी क्या किया था? शाहजहां के शासनकाल में यात्रा किया था। और इसके साथ ही पीटर मुंडी, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि पीटर मुंडी भी जो क्या था आपका, एक इतिहासकार था, इसने भी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो इनके निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां के निर्माण कार्य कौन कौन से थे देख लो। पहला तो सबसे खूबसूरत जो ताजमहल था आपका, उसे बनवाया था किसके याद में? अपनी बीबी मुमताज महल के याद में बनवाया था। ठीक, जिसका निर्माण किसने करा, जो आर्किटेक्ट था इसका, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। बोला जाता है कि इसे बनाने में उस समय 13 मिलियन जो है रुपया लगा था, 30 मिलियन रुपया। ठीक, आज के समय में सवा 270 बिलियन के अप्रोक्स ये है। ठीक, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। याद रखो, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और एसएससी में कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन भी है आपका।
शाहजहां द्वारा इमारतें जो बनाई गई देख लो, दीवाने आम कहाँ बनाई गई भाई, आगरा में बनाई गई। और जो आपके अकबर ने बनाया था वो कहाँ बनाया था, फतेहपुर सिकरी में बनाया था। दीवाने आम दीवाने खास ये फतेहपुर सिकरी में उसने बनवाया था, और इन्होंने आगरा में दीवाने आम दीवाने खास शीश महल, ये दीवाने आम दीवाने खास आगरा में बनाया गया, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, ये भी आपसे पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने ही नगीना मस्जिद के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नगीना मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, ये सब इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें हैं, ये ध्यान रखना। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना किया, कब किया था, 1648 में। कौन सा नगर था ये, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। जो लाल किला है वो कहाँ पड़ता है, इसी जगह पड़ता है, शाहजहानाबाद में ही पड़ता है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस किले के पश्चिम जो द्वार है उसका नाम क्या है, लाहौरी दरवाजा है, और जो दक्षिणी द्वार है वो कौन सा है, आपका दिल्ली दरवाजा, इसके नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपके क्या हुए मेन मेन इनके जो बनाए गए शाहजहां के काल में इमारतें थी उनके बारे में बता दिया है। कि यहाँ यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली दरवाजा आ जाए, लाहौरी दरवाजा आ जाए, आपसे लाल किला पूछ दे, नागीना मस्जिद पूछ दे, इन सब के बारे में अगर पूछ दे कि ये किसने बनवाया, तो सब कुछ ध्यान रखना कि ये सब शाहजहां ने बनवाया। मैक्सिमम जो निर्माणकार जो अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई वो कब बनाई गई थी, शाहजहां के काल में बनाई गई थी। इसीलिए इस काल को मुगल काल का क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा भी बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा आज मैंने आपको शाहजहां के बारे में जितना भी डिटेल था, जितने भी फैक्ट था, मैंने कवर करा दिया। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब की नीतियां क्या रही, क्यों वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया जैसे शाहजहां सक्सेस हुआ। पहले शुरुआत में तो काफी सक्सेस रहा, लेकिन बाद में वहां से मुगलों का क्या हुआ, औरंगजेब के ही समय में मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो कुछ ना कुछ उसकी नीतियां इनसे अलग रही होंगी, तभी कहीं ना कहीं मुगल का पतन शुरू हो जाता था। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, जिसे में हम आपको औरंगजेब के बारे में बताएंगे। तो जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर जितने लोग नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।